अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आप सब लोगों का इंस्ट्रक्टर उमामा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल किकस्टार्ट मेंटोरिंग। सो लास्ट टाइम जैसे मैंने आप लोगों को क्रॉप टूल के बारे में बताया था, ऐसे ही क्रॉप टूल के नीचे अगर आप लोग देखें तो उसमें एक और ऑप्शन आती है विच इज स्लाइस टूल एंड स्लाइस सेलेक्ट टूल। सो इसका क्या काम है? सो अगर हमें अपने फोटोशॉप से कोई वेब डिजाइन करना है एंड देन उसको हमने एक्सपोर्ट करना है जस्ट फॉर अ टेम्पलेट पर्पज, हम इवन दो इससे अपनी वेबसाइट भी लॉन्च कर सकते हैं विथ सम एफर्ट्स, बट अगर आपको HTML नहीं आता और जस्ट आप सिर्फ उसको डिजाइन करके आप एज अ UI डिजाइन करना चाहते हैं विद इन फोटोशॉप और आप उसकी एक कहने प्रोटोटाइप दिखाना चाहते हैं, तो दिस टूल इज रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। सो चलो जी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्लाइस टूल से हम कैसे अपनी वेबसाइट कैसे से लॉन्च कर सकते हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कर ये लेते हैं कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आती है दिस इज स्लाइस टूल एंड स्लाइस सेलेक्ट टूल। सो मैं जल्दी से अपनी एक यहाँ पे टेम्पलेट सा डिज़ाइन कर लेता हूँ। मैंने उसके लिए ऑलरेडी यहाँ पे कुछ चीज़ें वगैरह अपने लिए लाइक इमेजेस वगैरह सेलेक्ट करके रखे हैं और मैं जल्दी से करता ये हूँ कि मैं अपनी एक वेबसाइट की एक लुक दे देता हूँ। मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का जिस तरह आपको आइडिया है कि हम एक हर वेबसाइट में एक हेडर होता है, तो मैं जल्दी से यहाँ पे एक हेडर भी डिज़ाइन कर लेते हैं। ओके सो अभी आपने देखा कि मैंने जल्दी से अपनी वेबसाइट का एक हेड भी तैयार कर लिया मेरी वेबसाइट का, और हम ना थोड़ा सा उसमें और मज़ीद कंटेंट ऐड कर देते हैं। अच्छा अभी आप ये देखें कि अभी हम जब अपने कैनवस में काम कर रहे होते हैं तो हम इसको मूव नहीं करवा सकते, तो मैं जल्दी से करता ये हूँ प्रेफरेंसेस में जाके टूल्स में एक ऑप्शन आती है ओवर स्क्रोल की। सो इसको आप ओवर स्क्रोल ऑन कर लें और अब आप इजीली अपने इसको पैन करवा सकेंगे यानी मूव करवा सकेंगे। ओके सो हम आप इसे क्रॉप टूल में जाते हैं जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, और हम थोड़ा सा इसको अपने यहाँ पे इंक्रीज कर लेते हैं क्योंकि हमने ऑब्वियसली थोड़े से सेक्शंस भी बनाने हैं और थोड़ा सा दिखाने के लिए कि किस तरह से होता है। ओके इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको यहाँ पे नीचे ले आते हैं। ओके सो अब मैं अपने मूविंग ऑन मैं अपने फुटर की तरफ जा रहा हूँ, और फुटर के अंदर हम बेसिकली क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे। लाइक आपको एक आइडिया ही है कि आपने वेबसाइट्स देखी होंगी कि फुटर में बेसिकली वही सेम चीज़ें होती हैं, जस्ट हम थोड़े से रेफरेंसेस वगैरह इजीली दे देते हैं लाइक कॉन्टेक्ट का दे देंगे और कोई अपनी ऐसी सी चीज़ें दे देंगे। सो लेट्स से मैं अभी इसको यहाँ पे ला के इसका कलर चेंज कर देते हैं वाइट। ओके सो मैंने जल्दी से अपनी एक वेबसाइट का इंट्रो सा बना लिया अब आपके सामने। ओके सो
स्लाइस टूल लेंगे हम सबसे पहले, और यहाँ से हम इसको जिस तरह ये मैंने इतना सा स्लाइस कर दिया इसका, सेम इसको यहाँ पे कर दिया, कॉन्टेक्ट का बना दिया एक, और यहाँ पे दे देते हैं हम, और एक नेम यहाँ पे आ गया, और इसी तरह एक अबाउट का बन गया हमारे पास। ओके सो अब हम इसको करेंगे क्या, अब हम जाएंगे अपने स्लाइस सेलेक्ट टूल पे, और सर मैंने ये वाला लिया जिसको हमने स्लाइस किया था उसको मैंने सेलेक्ट किया, मैं यहाँ से ऊपर जाऊंगा, इसको नेम दे देते हैं होम का, और एक URL दे देते हैं home.html। जिन जिन लोगों को नहीं आता वो आप लोग मेरी तरह एक स्टेप्स रिपीट कर ले मेरे वाले, सो आप जैसे ऐसे करते जाएंगे आपको आइडिया होता जाएगा, बट अभी आप थोड़े थोड़े सेम स्टेप्स भी फॉलो करेंगे तो आपका एक वेबसाइट की एक लुक सी तैयार हो जाएगी। सो ये बेसिकली मैं आपको ये भी थोड़ा गाइड कर दूं कि ये बेसिकली हम जो बटन्स हैं हम उनको एक कह लें कि एक HTML का लिंक बेसिकली आप कह लें कि वो जनरेट करवा रहे हैं। ओके सो अबाउट इसको दे दिया अबाउट अस abouts.html। अच्छा याद रखें कि कभी भी आपकी URL में स्पेस नहीं आती, आपके URL में आपने स्पेस डाली है उसकी जगह आप अंडरस्कोर दे दें, बट याद रखिएगा कि URL में कभी भी आपको स्पेस नहीं आएगी। ओके दिस इज लोगो, और सो दैट अगर कोई लोगो पे भी आके सेलेक्ट करे तो वो हम चाहते हैं कि हमारे होम पेज पे जाए, तो मैं उसको URL दे रहा हूँ home.html का। ओके सो रिपीटिंग द स्टेप्स, यहाँ पे अबाउट में फिर से दैट इज अबाउट अस एंड वो था अबाउट _us.html एंड लेट्स से द मेन विल बी द सेम home.html। ओके सो ये हमने बना लिया, अब हम करेंगे क्या कि हम सिंपल अपने फाइल में आएंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट में आके हमारे पास ऑप्शन आती है सेव फॉर वेब लेगेसी। ओके हम इस पे सेलेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ से JPEG सेलेक्ट किया हुआ है JPEG, सो आप भी यही सेलेक्ट कर लें, बट मैं अभी के लिए जिसकी क्वालिटी है वो मीडियम रख रहा हूँ। ओके ठीक है मीडियम क्वालिटी, मैं यहाँ से आके सेव की ऑप्शन पर आता हूँ और मैं इसको नाम दे देता हूँ ओके home.html। ओके सो मैंने इसको home.html दे दिया, आपका जहाँ पे फॉर्मेट आ रहा है HTML एंड इमेजेस, सो आप HTML एंड इमेजेस पे सेलेक्ट करें और सेटिंग्स डिफॉल्ट सेटिंग्स रहने दें, और जो स्लाइस हैं, अच्छा ऑल स्लाइस से ये होगा कि आपने जितने स्लाइसेस किए हैं वो सारे अलहदा हो जाएंगे, और सेलेक्टेड स्लाइसेस जो आपने सेलेक्ट किया होगा वो आएगा ऑल यूजर में जो आपने बनाए। सो हम इसको ऑल स्लाइसेस में करके कर देते हैं सेव। ओके सो अब मैं अपने स्लाइस टूल में चला जाता हूँ, जो हमने फोल्डर क्रिएट किया था उसमें इमेजेस में अगर हम आए तो ये देखें हमने जितनी स्लाइस बनाए थे उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे उनको एक कह रहे हैं कि एक अलहदा अलहदा करके ले आया। इसको मैं यहाँ से ओपन कर लूँ, सो अब आपको देखें कि एक यहाँ पे आपके सामने एक ये होम पेज सा आ गया। ऑलराइट सो हम करते ये हैं कि आपके सामने एक आ गया, सो हम करते ये हैं कि हम एक और पेज क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से, पेज नहीं क्रिएट करते इसी की एक कॉपी बना लेते हैं, जिस तरह के ये है हमारा अबाउट वाला, सो इसको उठा के हम कहीं इधर ऊपर रख देते हैं इधर। ओके और इसको मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए डिलीट कर दिया। ओके जो ये हमारा येलो वाला था इसको मैंने उठाया और तक रख दिया, ये हमारा मेन था मैं इसको आके ब्लैक कर दिया, फिर से वाइट कर देते हैं। ओके सो वापस से फाइल एक्सपोर्ट सेव वेब पेजेस लेगेसी सेम सेटिंग सेव, एंड अब मैं इसको दे देता हूँ अबाउट
us.html save place. इसमें आया, अब मैं जब अपने अबाउट पे क्लिक करूंगा तो अब आप ये देखें कि वो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं. सॉरी, सो जो मैंने दूसरा अबाउट का पेज बनाया था जिसमें हम अबाउट कंपनी और हिस्ट्री ऊपर लेकर आए थे, तो वो वाला पेज आ गया. तो जब मैं वापस अपने मेन पेज सेलेक्ट करूंगा तो जो हमारा मेन वाला पेज था वो आ गया. सो इस तरह से आप अपने वेब पेजेस डिजाइन कर सकते हैं फोटोशॉप में, और उनके आप अपने क्लाइंट्स को इस तरह से उनका एक प्रोटोटाइप करके दिखा सकते हैं. तो उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी स्लाइस टूल की वीडियो से कुछ सीखा होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें. मेरे चैनल को भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको उससे मिल सके. तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए. थैंक यू.